सीनियर यूट्यूबर हैं, हमसे पहले से काम कर रहे थे, काफी हार्ड वर्किंग है। भाई खेल रहे थे आईपैड के अंदर, मैं खेल रहा था मोबाइल के अंदर। भाई खेल रहे थे ऑफलाइन, मैं खेल रहा था ऑनलाइन। भाई खेल रहे थे डायरेक्ट हेडफोन कनेक्ट करके, मैं खेल रहा था डोवान कनेक्ट करके। और जितने भी मेरे स्ट्रीमर्स भाई बंधु हैं जो भी लाइव स्ट्रीम पर खेलते हैं, उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर आप लाइव स्ट्रीम पर खेलते हो एंड डोवान कनेक्ट करके खेलते हो, तो क्या आपको गाइस अपने 60 FPS 90 FPS आता है? बस मुझे इस चीज का रिप्लाई दे देना। आई डोंट थिंक किसी को भी अपने पूरे FPS आते होंगे। हर चीज का मैंने रिप्लाई दे दिया। तो मैं आपसे बस एक ही चीज की रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपने वीडियो बनाई है, आप या तो एक और, ऑब्वियसली आप रिप्लाई वीडियो तो बनाओगे, तो आप वीडियो बनाओगे तो प्लीज उसको पॉजिटिव रखना। आपने जिस हिसाब से मैनिपुलेट किया ऑडियंस को, मैनिपुलेट मैं भी कर सकता हूँ, बट मेरे वैसे संस्कार नहीं है, ना मेरे एथिक्स कहते हैं कि मैं मैनिपुलेट करूं। मैंने सिर्फ वही चीज दिखाई जो चीज हुई थी, मैंने कुछ भी इसमें माल मसाला ऐड नहीं करा। अब जो भी मैच्योर फैंस है वो लोग मेरी बात को समझेंगे, जितने भी लोग इमैच्योर हैं वो लोग मेरी बात को नहीं समझेंगे। इस मैटर पे ये मेरी फाइनल वीडियो होगी, मैं इसके बाद से कुछ भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं उनको पता है मैं कैसा हूँ, जो मेरे को कम्युनिटी में जानते हैं उनको पता है मैं कैसा हूँ। एंड आपके बारे में तो यार चर्चे क्या है, आपको तो मैं खुद कह रहा हूँ कि आप एक ऑनलाइन बुली हो एंड आप बस मैनिपुलेट करते हो लोगों को एंड कॉन्टेंट के नाम पे अपने से छोटे क्रिएटर्स को हैरेस करते हो। ये आपके लिए मैं कहना चाहूंगा। इस टाइप की नॉनसेंस चीज तो मैंने पहली बार देखी कि कोई बंदा हारने के बाद भी इतना एरोगेंस कैसे रख सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा यार, एरोगेंस को कम रखो, अपने अंदर थोड़ा कामनेस लेकर आओ, पेशेंस लेकर आओ। और भाई एंड में बस ये कहना चाहूंगा, जय श्री राम। ऑल्सो गाइज मुझे इंस्टाग्राम भाई चैट मस्ती का कॉमेंट में जाओ, सबके जाओ, मस्ती को सपोर्ट करो, ओपी कर दो, मस्ती ओपी इन द चैट कर दो, पूरा मस्ती को फुल सपोर्ट। बेचारा लास्ट में इमोशनल हो गया है, मेरे को लग रहा है, मतलब नहीं पता मेरे को आवाज में से लग रहा है, मैं भी नहीं हो सकता है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत बुरा लगा है उसको। देखना उसका फैक्ट बताऊं, फन फैक्ट बताऊं, पूरे 99% कमेंट पॉजिटिव आए हैं इस वाली वीडियो पे। उसकी ऑडियंस भी जो होगी ना, 100 की भी अगर थोड़ी बताई होगी तो वो भी यहाँ पे वही कर रही है, सपोर्ट ही कर रही है, क्योंकि पूरा उसने रख दिया ना, पूरा खोल दिया सब कुछ इसमें, इस वीडियो में। डी मोड, डॉग मोड, व्हाट द फक, डल्ला आर्मी। अरे भाई 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 भाई, हेट मत दो, मस्ती को तारीफ करो जी, मस्ती की तारीफ बोल, मस्ती की मोटिवेशन दो जाके बेचारे। बट एक चीज दो भाई, है भाई, देख टीडीएम में बेंच हो एक टाइम पे, मैं भी तो कांड फाड़ता था, मैं भी हार गया टीम टूर्नामेंट ऐसे थोड़ी स्ट्रीम पे आके। अरे भाई मैं मजा नहीं कर रहा चैट, जितना हाइप एक टाइम पर मेरे पास था टीडीएम पे, उतना ही भाई के पास है क्या? नहीं ना, मैं जब हारा था ना, कितना ट्रोल मिला सबको बताया। भाई तुम ये देखना, एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए ब्रो डिफीट। ये किसका तो हारा मैंने एक बंदे से, ऑस्टिन करके बंदा है कि स्पोर्ट प्लेयर, उससे हारा मैंने। मस्ती जो जितना हिट मिला बता मेरे को, कितना हिट मिला। मैं उधर मैं भी बोल सकता हूँ आके, भाई मैं एंड्रॉइड में खेल रहा, सॉरी एंड्रॉइड में, जो आई टाइम आईफोन में खेल रहे हम लोग, सॉरी एंड्रॉइड में खेल रहा था, आईफोन में रिलीज नहीं हुआ BGMI, एंड्रॉइड में खेल रहा है, तो एंड्रॉइड में हासिल नहीं हुआ मेरा, मैं भी बोल सकता हूँ, बट मैं कुछ नहीं बोला, सीधा आ गया, बोला भाई बस हो गया, हार गया, खत्म बात, बस ऐसा बोल रहा ना भाई। इतना नहीं भाई, जो हार गया तो हार गया भाई, इतना वो मत करना बाहर आके कि भाई मेरा ये हो गया वो हो गया, एक्सेप्ट करो भाई। माँ कसम बोल रहा हूँ भाई, एक टाइम पे मैंने जितना ट्रेंड लाया ना टीडीएम को, आप तो लाए थे भाई, भाई मेरे भाई नोवा को बताया भाई कितना ट्रेंड लाया मैंने नोवा में, अबे वो जो कितना टूर्नामेंट कराया था ना नोवा ने, तो जब हम लोग का टीडीएम वॉचिंग में कितना आते, कितना सर वॉचिंग आते थे भाई हम लोग का टीडीएम, 40,000, 56,000, 42,000, sorry 43,000, 37,000 वॉचिंग, लाइव वॉचिंग आते थे नोवा का, हमारा टॉम 1v1 देखने के लिए, इतना वो इतना पीक था हमारा, वो तब भी हार गया मैं बहन से जाके, तब हारा तभी मैं साला बहाना बोलने बैठा गया जाके कि भाई ये वो, एक्सेप्ट करो बहन से, एक्सेप्ट नहीं करना है तो भाई इग्नोर करो, बकचोदी मत करना यूट्यूब में आके, आगे ऑडियंस हमारे पास भी है, हम भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा तो भाई तुम्हारा कॉमेंट्स भी होगा, बट हम बोल रहे नहीं ना, इतना सीनियर हमारे पास तो थोड़े ज्यादा स्ट्रीमर सीनियर यूट्यूबर है, सीनियर यूट्यूबर है तो भाई थोड़ा मैच्योरली प्ले करना होता है, बट ठीक है हो गया हो गया, अभी मस्ती ने क्लियरली बोल दिया लास्ट में पॉजिटिव रखना, तो हम लोग कुछ नहीं, मैंने कुछ टॉपिक को नहीं भड़का रहे हम लोग, बस बता रहा है हमारी मस्ती को बहुत बुरा लगा, वो बेचारा सबसे हार्ड वर्किंग हाइड्रा में, वो और हमारे दर्पण भी हार्ड वर्किंग है, बस बता रहा हूँ हाइड्रा में सबसे हार्ड वर्किंग तो मेरे को मस्ती लगता है। ऐसे बंदे को तुम भाई पूरा डिमोटिवेट कर दिया एक हफ्ते से, उसकी जो हेट कमेंट्स आ रहे ना हमको बताया कितना डिमोटिवेट हो गया बेचारा, वो
तो ऐसा बंदे को तुम डिमोटिवेट करके बहुत वही समझ रहे ना, अभी समझ में आ गया होगा तुम भी, उसके बाद तो समझ में आ गया होगा कितना बुरा लग रहा है उसको, तो खत्म कर दो टॉपिक अभी, रिप्लाई करके ये करके उसको, और लंबा लंबा मत करना, छोड़ दो उसको, तुम अलग यूट्यूबर्स को, ऐसे यूट्यूबर्स को पकड़ो जिससे तुम बहुत अच्छा खेलते हो या जो भी हो, ऐसे यूट्यूबर्स के पास आओ, ऐसे मस्ती के पास या हाइड्रा वाले के पास चैलेंज मत करना, फिर हमारे तो हमसे दूर रहो तुम लोग, कंटेंट मत बनाओ हाइड्रा वाले से, हाइड्रा वाले हरा के फिर ये बकचोदी नहीं होता हमसे, क्योंकि तुम हारोगे तो फिर वापस यही वीडियो डालोगे, अभी अगली जाके तुम डरपन को चैलेंज करोगे, तुम डरपन से हारोगे फिर वापस यही वीडियो आएगा, फिर मेरे को चैलेंज करोगे, फिर मेरे से हारोगे तो फिर वापस यही वीडियो आएगा, तो इसलिए हमको चैलेंज ही मत करो तुम, छोड़ दो ये टॉपिक, खत्म, अभी हम जाते गेम के लिए, आ जाओ तो गेम में आ जाओ दर्पण, हाँ भाई, और टॉप 10 रैंक पुश करते हैं, लेट्स गो। वैसे बेस्ट वीडियो का पहले टॉप 5 तो टॉप 500